हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप सब घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको विजुअल कम्युनिकेशन में स्पेशली फिल करना है एंड जिनको विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या उन्हें ये नहीं पता है कि इस फील्ड में आगे जाकर क्या करियर है, क्या स्कोप है एंड क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल है। सो वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं एंड में आपको एक चीज बताऊंगी शायद जो काफी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो एंड लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की जरूरत है कि विजुअल कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन होता क्या है, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना है। टू वर्ड्स यानी कि विजुअल एंड दूसरा कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन जो बेसिक है उसको हम समझते हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यानी कि दो लोगों के बीच में कोई भी जब हम बात होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है। जब एक सेंडर होता है, सेंडर यानी कि जो बोलने वाला है, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो मैं इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो मैं सेंडर हुई एंड आप लोग रिसीवर हैं। आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं एंड उसको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सो ये हुआ सेंडर एंड रिसीवर। सो दो कभी भी मतलब दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी भी जरिए हो सकता है। ठीक है, वो टेक्स्ट के जरिए हो सकता है, वो सामने बात करने के जरिए हो सकता है, वो किसी भी मीडियम या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो उसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। एंड नाउ विजुअली का क्या मतलब है, विजुअली का मतलब है दिखाना, किसी भी चीज को दिखाना, यानी कि जब आप किसी भी चीज को दिखाकर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को विजुअली यानी कि दिखाकर कम्युनिकेट करते हैं किसी भी फॉर्म में, एनी वीडियो के फॉर्म में, एनी फोटो के फॉर्म में, ठीक है, एनी आइकन सिंबल, इन सब चीजों के फॉर्म में जब आप कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, अपने मेन मोटिव उसको जो है आप सामने किसी के प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये मतलब होता है विजुअल कम्युनिकेशन का, बिकॉज विजुअली आप किसी को कुछ आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, एंड नाउ हम बढ़ते हैं कि इसमें विजुअल कम्युनिकेशन जो है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट में क्या इसका बेसिकली मतलब क्या रोल है इसका एंड क्या इसके आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कोप क्या है इसका। ठीक है, बेसिकली स्कोप यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर एक विजुअल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि न्यूज इंडस्ट्रीज। ठीक है, वहां पर आपको विजुअल आर्टिस्ट की वहां पर जरूरत पड़ती है। जितना भी सारा टीवी का काम होता है मैनेज करने का, या जितना भी किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब एक विजुअल आर्टिस्ट का काम होता है। एंड गेमिंग इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई आपकी। ठीक है, एज एन एनिमेटर जो है इसका स्कोप है। एज एन हम बात कर सकते हैं कि इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट जो होते हैं, काफी इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उनकी तरह एज एन जो विजुअल आर्टिस्ट है वो वर्क कर सकता है। सो स्कोप भी इसमें काफी सारा है एंड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्री को जो है विजुअल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई यहाँ पे, अगर मतलब ऊंचे लेवल पे बात करना चाहें तो आप इस लेवल तक जा सकते हैं कि आप एक फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर तक की जॉब भी इसमें जो है स्कोप जो है इसका कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो हुआ हुई जो है स्कोप की बात हुई है। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर जो है काफी सारी है, जैसे कि आप एज अ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, एज अ कार्टूनिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, एज अ एनिमेटर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एज अ वेबसाइट डिजाइनर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनीज में इन लोगों की जरूरत होती है, तो एज अ वेबसाइट डिजाइनर आप वर्क कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफर आप वर्क कर सकते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट आप जाकर बन सकते हैं। ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, टेलीविजन का जितना भी वर्क होता है, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसको काफी अच्छे से सीखकर आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारी इसमें काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफर एज आप वर्क कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी स्किल को कितना इंक्रीज करते हैं एंड कौन से लेवल तक आप इसे लेकर जाते हैं। सो ये सब तो डिजाइन स्कोप की बात हो गई, जॉब की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है बीएफए के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन कॉलेजेस में भी किस टाइप का वर्क कराया जाता है। ठीक है, सो वहां पर भी आपसे इलस्ट्रेशंस बनवाई जाती हैं। ठीक है, सेल्फ इलस्ट्रेशंस बनवाए जाते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन आपको सिखाई जाती है। एंड इसमें और अप्लाइड आर्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें आपको एनिमेशन जो है वो 3D एनिमेशन भी आपको सिखाई जाती है, 2D एनिमेशन आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अप्लाइड में जो है काफी कम पार्ट आता है एनिमेशन का, बाकी जो चीजें जैसे कि पैकेजिंग तक का जो काम होता है ना, वो अप्लाइड आर्टिस्ट का होता है कि कोई प्रोडक्ट तैयार है, अब उसको मार्केट में कैसे आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, वो काम होता है एक अप्लाइड आर्टिस्ट का। एंड विजुअल कम्युनिकेशन में आप अंदर का वर्क करते हैं, जैसे कि एडिटिंग हो गई पूरी की पूरी,
जितना भी आपका टीवी प्रोडक्शन का काम होता है वो सब एक विजुअल आर्टिस्ट करता है। स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना, ये सारे काम आपसे मतलब स्टोरी बोर्ड वगैरह बनवाए जाते हैं बीएफए जब आप परस्यू करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। सो काफी सारा काम आपसे करवाया जाता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है, यानी कि टीवी प्रोडक्शन से लेके मतलब एडिटर बनना है, आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा कि आप डिटेल्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी काफ़ी ज़्यादा, सो आप विजुअल कम्युनिकेशन चूज कीजिए। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद की हमने पूरा सब डिस्कस कर लिया कि इसमें एज अ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्कोप क्या क्या है। सो अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं आपको क्या बताने वाली। सो वो ये है कि इसमें आप एज अ बीएफए इन विजुअल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, एंड इसके अलावा इसमें जो है बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं, जिसमें टोटल ये 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आप पूरा इसी चीज के बारे में पढ़ते हैं एंड इसी फील्ड में आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको बीएफए इन विजुअल कम्युनिकेशन करना है या बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन करना है। बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन करने के काफी सारे कॉलेजेस हैं एंड अच्छे कॉलेजेस हैं, काफी सारी आपको अलग चीजों के बारे में उसमें जानने को मिल सकते हैं। सो आपकी चॉइस है कि आप बीएफए इन विजुअल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं जिनको स्पेशली विजुअल कम्युनिकेशन अटेम्प्ट करना है या फिर बीएफए में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो वो बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, अगर उन्हें इसी साल एडमिशन चाहिए तो आप इसको भी सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च करते रहिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वो सब चीजें आप देखते रहिए टाइम टू टाइम। एंड आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं नया किसी टॉपिक पे आपके लिए कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी, एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एंड शेयर करिए जिसको जरूरत है इस चीज की। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।